हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट केशव ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष अग्रवाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जून में चलने वाली ट्रेनों के कोरोना के नियम, क्या कोरोना के नियम में कुछ बदलाव हुए हैं उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा RAC और वेटिंग लिस्ट टिकट के बारे में। काफी लोगों के मेरे पास कॉमेंट आ रहे थे और उसमें बताया जा रहा था कि जून में जो ट्रेन चलेगी उसमें RAC वैलिड है या नहीं, या हमारे पास वेटिंग टिकट है, हम यात्रा कर सकते हैं या नहीं, क्या नियमों में बदलाव हुए हैं जून के बारे में वो बताइए। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कोरोना से रिलेटेड नियम। अगर आप जून में ट्रेवल कर रहे हो ट्रेन में और कोरोना के नियम जानना चाहते हो तो दोस्तों, कोरोना के नियम जो पहले थे मई में थे वही नियम अभी है। मतलब आपको 48 से 72 घंटे पूर्व आपको जो कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट है वो आपको दिखानी होगी। अगर मान लीजिए आपके पास RT-PCR नहीं है तो कई कई जगह आपको क्वारंटाइन किया जा रहा है, मतलब 14 दिन का क्वारंटाइन है। पर दोस्तों, खास बात यह है कि अगर आपने वैक्सीनेशन के दोनों डोज ले रखे हैं तो आपको ना तो RT-PCR करवानी होगी और ना ही आपको मतलब कि क्वारंटाइन रहना होगा। अगर आपने दोनों डोज ले ली है तो आप वहां पर सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं और आप आराम से अपने मतलब डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पर मान लीजिए कई कई राज्य हैं जहां पर मतलब कोरोना की रिपोर्ट लागू की गई है और आपके पास अगर जो कोविड के दोनों टीके अगर आपने नहीं खा रखे हैं, वैक्सीन नहीं ले रखी है, तो आपको RT-PCR करवाना जरूरी है। साथ ही साथ रेलवे के जो नियम है दोस्तों, मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही साथ सैनिटाइजर का आपको उपयोग करना होगा। जो भी आपकी सुरक्षा के लिए जो नियम है वो आपको वहां पर फॉलो करने होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ RAC और वेटिंग लिस्ट टिकट के बारे में। तो दोस्तों, जून में भी पहले की तरह ही है। RAC टिकट अगर आपका है तो आप बेझिझक ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं। आपको कोच नंबर और सीट नंबर ट्रेन चलने के 4 घंटे पहले मिल जाएगा। जबकि अगर आपके पास वेटिंग टिकट है रेलवे का और अगर चार्ट बनते टाइम भी अगर आपका टिकट वेटिंग में रह गया है तो आपको रेलवे स्टेशन के अंदर भी नहीं जाने दिया जाएगा, तो वो ट्रेन का टिकट आपका कैंसिल माना जाएगा। मतलब आप उसको कैंसिल करवा कर आप रिफंड ले सकते हैं। मतलब जैसे आपने ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक किया है तो 7 दिन में आपका रिफंड आ जाएगा, और अगर आपने काउंटर से किया है तो काउंटर में आप जमा करवा कर आप अपना रिफंड ले सकते हैं। पर वेटिंग लिस्ट टिकट में आप यात्रा नहीं कर सकते, और RAC अगर आपका है तो आप यात्रा कर सकते हैं। आपको कोच नंबर, सीट नंबर, सारी चीजें अलॉट की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में यही जानकारी देनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्मार्ट केशव ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।